रामनगर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शिशुपाल सिंह रावत ने दावा किया है कि उनकी सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही बस अड्डे का निर्माण, खेल मैदान, स्टेडियम आदि क्षेत्र का विकास करना भी उनकी प्राथमिकता रहेगी। रामनगर विधानसभा प्रत्याशी शिशुपाल सिंह रावत ने आगे कहा कि उत्तराखंड का विकास दिल्ली की तर्ज पर होगा और दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में भी उतारा जाएगा। केजरीवाल ने उत्तराखंड में 300 यूनिट फ्री बिजली देने, रोजगार गारंटी देने, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री और आम आदमी पार्टी की राज्य सरकार बनने पर राज्य का चहुमुखी विकास करने का भी वादा किया है। तो रोजगार का बहुत बड़ा मुद्दा है कि लोगों को कैसे करके हम अपने नौनिहालों को रोजगार दें। उसके साथ ही खेल के मैदान होने चाहिए, स्टेडियम होना चाहिए, बस पोर्ट बनना चाहिए, रामनगर शहर से जो है जाम को कैसे निजात मिले ये काम करना चाहिए, और यहाँ पे जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसमें कैसे करके हम जो है कि अधिक से अधिक अपने बेरोजगार युवाओं को रोजगार दें। और उसके साथ ही हमारा जो दिल्ली मॉडल है वो तो अतिरिक्त है ही, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये चीज़ तो निहारत रहेगी ही रहेंगी जो दिल्ली में काम हो रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ उत्तराखंड से पलायन रोकने के लिए रोजगार बहुत सख्त जरूरी है, जिस पे हम अच्छी तरह से काम करेंगे। इसमें हमने दिल्ली में 10 लाख लोगों को रोजगार देने का पिछले 5 साल में काम किया, यहाँ भी हम रोजगार देंगे। तो भाजपा से हमारे भाजपा और आम आदमी पार्टी का ही आपस में मुकाबला होगा, कांग्रेस मुकाबले में नहीं है। कांग्रेस को लोग वोट नहीं देना चाहते क्योंकि कांग्रेस को वोट देने का मतलब इनडायरेक्ट बीजेपी को वोट देना। कांग्रेस का नेता कब बीजेपी में चला जाए सुबह शाम का पता नहीं होता। चुनावों से पहले इस तरह के जुमले तो हर सरकार करती है, अब देखना ये होगा कि आखिरकार इन दावों और वादों में कितनी सच्चाई होगी। रामनगर से गोविंद रावत, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।